हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे आज आपका क्लास सेवन्थ मैथ्स के फर्स्ट लेसन के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इवन एंड ऑड इंटीजर्स। इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड वी गिव सम एग्जांपल्स टू यू फॉर सॉल्विंग। आई होप यू सॉल्व द एग्जांपल्स एंड वेलकम बैक टू इन वीडियो। Firstly, we saw that the definitions of even integers. Then we know if any integers is divided by 2 is called even integers. If any integers is divided by 2 is called even integers. Those example is minus 4, minus 2, 8, 6 and 4. We know that the integer is negative and positive. Then this example is both minus and plus. Since देखेंगे कि even integers क्या होते हैं। Even integers वे integers होते हैं जो 2 से divide हो जाते हैं। Example minus 4, minus 2, minus 8। हम जानते हैं कि जो even integers होते हैं वे minus में भी होते हैं और plus में भी होते हैं। और एक बात और note down करने वाली है कि जो भी even integers होते हैं, जो भी आपके इवन इंटीजर्स होते हैं वे हमेशा किस चीज से एंड होते हैं, कितने नंबर होते हैं उस एंड में, कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। मींस कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई इंटीजर्स लिखते हैं, आप लिख दिए 2, 4, 6, 2 और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, आप कहेंगे यह इवन इंटीजर है क्योंकि इसके इंड में क्या है, 2 है। तो किसी भी इंटीजर्स के यदि इंड में 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई भी एक आ जाए तो हम कहते हैं कि वह इंटीजर्स आपका इवन इंटीजर्स है। मे बी आपको इवन इंटीजर समझ में आ गया होगा। देन वी डिस्कस अबाउट द ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स यानी दोज इंटीजर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 is called odd integers. Means वे integers जो 2 से नहीं divided होते हैं, पूरी तरीके से 2 से divide नहीं होते हैं, उन integers को बोलते हैं हम odd integers. Example में हम बोल सकते हैं, example में हमने लिखा हुआ है -7, -9, 3, 11 and 15. तो definitions क्या है देख लीजिए कि odd integers or integers that cannot divided by evenly by 2, जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वे होते हैं आपके ऑड इंटीजर्स। एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अब इसमें नोट डाउन वाली क्या बात है, इसमें देखिए कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वे हमेशा ही किस नंबर से एंड होते हैं, 1 से, या तो 3 से, या तो 7 से, या तो 9 से। हम यहां और लिख देते हैं या 9 से इंड होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि आप कोई इंटीजर्स लिखते हैं, यदि आप कोई इंटीजर्स लिखते हैं लाइक इस, यदि मैं यहां पे एक इंटीजर लिख देता हूं 3653 और आपसे पूछा जाए बताइए यह इवन इंटीजर्स है या ऑड इंटीजर्स है, तो आप देख रहे हैं कि इस इंटीजर्स के लास्ट में क्या है, 3 है, तो यह आपका ऑड इंटीजर्स होगा। सो हम इंटीजर्स को देख करके यह पहचान सकते हैं कि वह ऑड इंटीजर्स है या फिर इवन इंटीजर्स है। तो आप इन डिफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा और आप देखते ही यह फाइंड कर सकते हैं कि वह इवन इंटीजर्स है या फिर ऑड इंटीजर्स है। सो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स, ऑपरेशंस ऑन द इवन एंड ऑड इंटीजर्स। आई होप वी आर अंडरस्टैंड्स दिस टॉपिक। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। Now we discuss about the operation on even and odd integers. Means even or odd integers पे कौन-कौन से operations होते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम कि मान लीजिए कोई दो integer हमने add किया तो उसका result क्या होगा। Means यदि दो even integer को add करते हैं तो result even होता है या फिर odd होता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले हम addition based है। किस पे देखेंगे? एडिशन पे,
एडिशन इसका एग्जांपल फिर यहां देख लेंगे। इसमें देखेंगे कि मान लीजिए हम पहले इवन दो इवन इंटीजर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट इसका क्या होगा। दो इवन इंटीजर्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे इसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपका इवन ही होता है। जब हम दो इवन इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इवन होता है। एग्जांपल के तौर पर देख लें, मान लीजिए 6 आपका इवन इंटीजर है और आपका 4 भी इवन इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 10। यह 10 भी क्या आपका है इवन इंटीजर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम दो इवन इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका इवन इंटीजर आता है। आगे देखते हैं, जब हम इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इवन में हम ऑड को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा ऑड ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इवन इंटीजर हमने ले लिया 4 और ऑड इंटीजर ले लिया 5, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 9, जो कि है आपका ऑड इंटीजर। जब हमने इवन और ऑड इंटीजर्स को आपस में ऐड किया तो रिजल्ट आपका है ऑड इंटीजर्स। अब देखिए आगे, यदि हम दो ऑड इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। जब हम दो ऑड इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा इवन आता है। रिजल्ट में देख लेते हैं एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 5 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा आपका 12, जो कि आपका इवन इंटीजर है। तो ये एडिशन पे हमको पता चला कि इवन इंटीजर का और ऑड इंटीजर्स का एडिशन करने पे रिजल्ट इवन आता है या फिर ऑड आता है। आइए हम देखते हैं इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन पे। यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देखिए जब हम दो इवन इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो इवन इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज जो आपका रिजल्ट होता है वो टोटल इवन आता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इवन इंटीजर्स टू ईच अदर देन वी रिजल्टेंट इज ऑलवेज इवन। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 6 और हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 कर लेते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे कितना हो जाएगा 12, ये भी आपका क्या आया इवन आया। तो नो दैट जब हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका इवन आता है। अब जो एक इवन और एक ऑड इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या आता है, देखिए जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमेशा जो इसका रिजल्ट आएगा ये आपका इवन आएगा हमेशा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमने मान लीजिए इवन इंटीजर ले लिया 10 और ऑड इंटीजर ले लिया 5 ऑड इंटीजर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा 50। अब 50 क्या है आपका इवन इंटीजर से। तो ये हुआ आपका सेकंड। थर्ड देखते हैं, जब हम दो ऑड इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है आपका हमेशा ऑड आता है। हटाएंगे और यहां लिखेंगे आपका जब दो मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका हमेशा ऑड। कैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 15, जो कि क्या है ये ऑड। तो मे बी आपको समझ में आया होगा कि जो ऑपरेशंस ऑन इवन एंड ऑड इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है और एड में क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखते हैं टॉपिक आगे, देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अभी हम लोग ऑपरेशंस पढ़े उस पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि -2 को हम ऐड कर रहे हैं 6 के साथ, तो ये क्या है, देखिए ये भी क्या है इवन इंटीजर है, वो भी कौन सा नेगेटिव इवन इंटीजर है, उसको हम ऐड कर रहे हैं
इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इसका जो ऐड होगा, तो दोनों इवन है, जब इवन इवन को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, इवन। फोर क्या है, इवन। मैं बोल दूं कि 10 में 3 को ऐड करना है, -3 को, तो -3 क्या है, -3 आपका ऑड इंटीजर्स है और 10 आपका क्या है, इवन इंटीजर्स है। तो जब इवन इंटीजर्स में हम ऑड इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है आपका, ऑड इंटीजर्स। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 7। मतलब ये क्या है, ऑड इंटीजर्स। ये एग्जांपल्स है, हमने एग्जांपल्स ही बताया, आप ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं और ऐसे एग्जांपल्स आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।